अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फैजान हुसैन। आज हूँ एक और ब्लॉग में। आज हम लोग आए हैं फैसल मस्जिद, और फैसल मस्जिद बैठे हुए हैं। नमाज होने वाली है, अजान हो गई है, और जमात का हम लोग वेट कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद हम और भी बाकी तक दिखाएंगे और तस्वीरें वगैरह भी खींचेंगे और अपना ब्लॉग भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो चले फिर आगे मैं पढ़ूँगा, लेकिन अभी तक नमाज पढ़ लें उसके बाद। ये लोग सारे बैठे हुए हैं। ये है सूफिया, ये है हसान, ये है किरत हयात, और ये है पारा सा मुन्ना अब्दुल्ला। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी जमात होगी इंशाल्लाह। हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे और फिर जो है आगे अपना जो है व्लॉग भी करेंगे और अपना घूमे फिरेंगे भी आगे। बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। मस्जिद दुनिया की बड़ी बड़ी मस्जिदों में इसका शुमार है। फैसल मस्जिद सभी जानते हैं। बेपना खूबसूरत मस्जिद, हर फैसिलिटी है इसमें। और इस्लामाबाद तो सबको पता ही कि बहुत ही खूबसूरत शहर है, और उसमें ये खूबसूरत सी मस्जिद बनना इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। चल रहे हैं मस्जिद के ऊपर, चढ़ रहे हैं मस्जिद पे जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। इसके ऊपर नहीं जाओ, ठंडा है भाई। हम लोग आ गए ऊपर, वो नहीं है। अभी रुको रुको, वीडियो ये इंटरनली है रूम इनका, यहाँ पे शाह फैसल मस्जिद का इंटरनल रूम, जहाँ सब नमाज भी पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा हॉल है ये पूरा एक।
ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत बड़ा फानूस इधर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। मम्मी की कॉल आई हुई है और हसन साहब बातें कर रहे हैं मम्मी के साथ। ये किरत है, किरत का पता नहीं क्यों मुंह बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये टूर पे आके कुछ ज़्यादा ही इसके मुंह बने हुए हैं। एज यूजुअल हयात अपनी मस्तियों में लगी हुई है और मैं अपना व्लॉग बनाने में मसरूफ हूँ। ये देखें मरगला की पहाड़ियाँ हैं, इंतहाई खूबसूरत मंजर है, बहुत ही खूबसूरत। मस्जिद के बराबर में एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है, आई थिंक ये मस्जिद का ही हिस्सा है। बहुत खूबसूरत पार्क। ये आई थिंक फाउंटेन है यहाँ पे, अभी तो खैर बंद किया हुआ है लेकिन आई थिंक ये फाउंटेन है। जब ये चलाते होंगे तो बहुत ही कोई खूबसूरत लुक देता होगा ये, क्योंकि इधर तो सारी ही चीज़ें बहुत खूबसूरत और बहुत नया बहुत बेहतरीन लग रही है। हर व्यू जहाँ आप देखो उधर खूबसूरती नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स हमने जो है फैसल मस्जिद का हमने विजिट कर लिया है, यहाँ पे नमाज भी पढ़ ली है और खूब पिक्चर्स वगैरह भी ले लिए, वीडियो भी खूब बनाई हमने। अब हम निकल रहे हैं दामने कोट के लिए, तो अब वहाँ के कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। तो व्यूअर्स हम लोग आ गए हैं दामने को। दामने को का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मैं इधर सेकेंड टाइम आ रहा हूँ। तो चले हम लोग व्लॉग बनाते हैं, अब आगे चलते हैं व्लॉग की तरफ। दामने को की भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत खूबसूरत जगहों को हम अपने व्लॉग में कैप्चर करते हैं। तो चलते हैं व्लॉग को आगे लेकर। दामने को ऊपर की तरफ जो पूरा व्यू इस्लामाबाद का नज़र आता है, वो पहाड़ के जो कॉर्नर है उस तरफ जाने के लिए गामजन है हम लोग। रास्ते में बहुत खूबसूरत व्यूज़ भी हैं, हर जगह ही जहाँ देख रहे हैं पर हर जगह खूबसूरत मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अपने आप को कुछ अगर खाना पीना है उसके लिए शॉप्स वगैरह भी हैं, छोटे छोटे से कैबिन खुले हुए हैं। अगर आपको कुछ ख़रीद के खाना है तो आप यहाँ से खा भी सकते हैं। झूले वगैरह भी हैं यहाँ पे, इनकी जो प्राइजेस लिखी हुई है 50 रुपये भी है, 100 रुपये भी है। जंपिंग के इन्होंने 100 रुपये लिखे हुए हैं, स्लाइडिंग के 100 और ये मेरी कार इसके 50 रुपये हैं। बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए भी इसमें बहुत चीज़ें हैं। ये लोग बहुत आगे निकल गए, मैं जल्दी से इनके पास पहुंचता हूँ। ये मैं आ गया हूँ करीब इन लोगों के, और ये है मेरा बेटा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पालाशा बेटा मजे आले। और ये सूफिया बच्चों की वीडियो बनाते हुए। इधर फॉरनर्स भी आते हैं काफी। आपको कैसा लग रहा है हसन? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है आपको जी? अभी आप चढ़ाई कर रहे हैं दामने को की तरफ जी? बिल्कुल। अभी थके तो नहीं आप? नहीं। चलो सही कंटिन्यू रखे आप। हयात इधर देखो, हाँ तो आप लोग को मजा आ रहा है? मजे कर ले हो? Yes. सही, अभी बंदर पॉइंट आएगा उसके साथ तस्वीरें भी खिंचवानी है आप लोगों को। हाँ, आप भी खींचना है भाई। Yes.
दामन कौम है, खूबसूरत मनाजिर। आप इंजॉय कर रही हैं? जी बहुत। इतना खूबसूरत मंजर ये दामनिको का। हम चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, थकन बहुत हो रही है अभी क्योंकि चढ़ना बहुत पड़ रहा है इधर। ये बहुत अच्छा साज बजा रहा है, इसका साउंड बहुत खूबसूरत लग रहा है इस खूबसूरत सीनरी में, और ये इसका म्यूजिक दिल लुभा रहा है बहुत। वाइल्ड लाइफ ऑफ मरगला। फाइनली हम आ गए टॉप पे दामनिको के, और यहाँ से पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। बे इंतहा खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है इधर से। पूरा इस्लामाबाद का व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा इस पर। इस्लामाबाद के खूबसूरत मनाजिर सभी को पसंद आते हैं, और इसको देखें ये गिरने के चक्करों में। हयात इधर आ जाओ बेटा, हसन साहब अपनी वीडियो बनाते हुए अपनी स्लोमो वीडियो बनवा रहे हैं सूफिया से, और हयात इसकी वीडियो को ख़राब करने के लिए जा रही है। हयात पहुंच गई इसकी वीडियो को ख़राब करने। ये मंकी पॉइंट है आई थिंक, और इधर एक हमें बंदर भी नज़र आ रहा है। इधर बंदर भी, उनके बच्चे भी हैं। किधर जरा पीछे रहो, मुझे तो डर लग रहा है। ये लो आपका दोस्त बंदर हो। वो भी है, उधर भी है, उधर भी है। क्यूट, उधर भी तो है। हाँ जाओ पर जाओ, वो कितने सारे बैठे हैं अंदर। जाओ छुपे से तो खा आए। दामन कौम में ये खूबसूरती में से खूबसूरती ये भी है, बंदर पॉइंट। आई थिंक ये हमसे डर गए और भाग रहे हैं यहाँ से। इधर ये घोड़े वाले और ऊंट वाले भी हैं जो सवारियाँ देते हैं, और कुछ जो भी अपना इनका चार्ज होता है वो लेते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग आ गए हैं लेक व्यू पार्क में, और दामन कौम से हम लोग निकल चुके हैं और जो है लेक व्यू पार्क में आ गए हैं। तो आगे का व्लॉग हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे।
और फिर इस व्लॉग का एंड करते हैं। इन लोगों की हिम्मत जवाब दे गई है फैसल मस्जिद और दामने को घूमने के बाद, अब इन लोगों की लेक व्यू पार्क में घूमने की हिम्मत नहीं है। इधर छोटी छोटी शॉप इधर भी हैं जिस पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ख़रीद के खाने पीने की ख़रीद सकते हैं आप यहाँ से, और काफ़ी तादाद में इधर लोग आए हुए हैं अभी तो। हम लोग भी बस थोड़ा सा आराम करके फिर जो है हम भी घूमेंगे यहाँ पे, इंजॉय करेंगे। लेक व्यू पार्क में है ये किड्स प्ले एरिया, तो हम लोग इधर आए हैं, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये है किड्स प्ले एरिया, बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है, बहुत ही हसीन मंदिर लग रहा है यहाँ का। आपको वीडियो पे भी शो हो ही रहा होगा, आपको भी यकीनन ये बहुत पसंद आ रहा होगा। इस पार्क में मुख्तलिफ किस्म के झूले भी हैं, बच्चों के लिए जंपिंग्स हैं, ये इसको मैं क्या बोलूँ कि क्या पका बनाया हुआ है इन लोगों ने, लेकिन इधर झूले वगैरह भी हैं। थकार के बैठ गए हैं और वाकई में अब थकन तो हो गई है, क्योंकि तीन जगहों पे आज ही के दिन हमने जो है घूमा और बहुत हम लोगों ने जो है इंजॉय भी किया। तो व्यूअर्स, आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा? यकीनन पसंद आया होगा, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, तो बस अब हम अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ। हम लोग काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि पहले फैसल मस्जिद गए, फिर दामने को, फिर दामने को से लेक व्यू पार्क में आए हैं। यहाँ पे भी हमने जो है माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, लेकिन अब थक गए। अब हम जा रहे हैं शाइन बाजी के घर में,
उन्होंने हमें खाने वगैरह पे और शाम की चाय पकोड़े वगैरह सब बना के रखे हुए हमारे लिए। तो हम बस उठ जाएंगे, उसके बाद अपने होटल जाके रेस्ट करेंगे। तो फिर अगले व्लॉग का आप लोग इंतज़ार करें, जो हम कल निकलेंगे नारायण कागान के लिए। तो उस उधर जाके फिर मैं अपना एक और व्लॉग बनाऊंगा, तो उस तक का इंतज़ार करें। जब तक के लिए इजाज़त दें फ़ैज़ान हुसैन को, अल्लाह हाफ़िज़।